Hello everyone, this is Priyanka Chaudhary and welcome to my channel. Before taking this video further, video को आगे ले जाने से पहले मैं चाहती हूँ आप एक छोटा सा test attempt करें. Why is it so? ये test क्यों है? वो भी बिल्कुल video की starting में. It is because मैं नहीं चाहती आपका time waste हो और आप ये पूरी video देखें और आपको फिर realize हो कि ये तो मुझे आता ही था. So what I want is कि आप शुरू में ही एक छोटा सा test attempt कर लें और अगर आप ये test पूरे तरीके से सही attempt कर पाए then you can skip this video. और अगर आपने इस कहीं भी इस टेस्ट में गलती करी then I would request you to please watch this video till the end. So are you guys ready? So without any further delay, let's start. Okay everybody, so यहाँ से आप अपने answers check कर सकते हैं. जो blanks आपने video के starting में देखे थे वो यही थे और यहाँ से आप अपने answers match कर सकते हैं कि क्या आपने जो blanks fill किए थे वो सही थे या नहीं. And if you are watching my video for the first time, then please subscribe to my channel so that whenever I'll upload a new video, you will be notified. So अभी जो आपने इस test में words देखे जो कि given थे test में blanks में fill करने के लिए, वो words की pronunciation कुछ एक जैसी है. अपने वर्ड्स देखे जैसे वहाँ पे दिए हुए थे राइट राइट, फ्लावर फ्लावर एंड सन सन. तो ये जो वर्ड्स आपने देखे अभी जिनकी प्रोनंसिएशन तो सेम है बट स्पेलिंग इज़ डिफरेंट एंड द मीनिंग इज़ आल्सो डिफरेंट, इन वर्ड्स को इंग्लिश ग्रामर में बोला क्या जाता है? दीज वर्ड्स आर कॉल्ड होमोफोन्स इन इंग्लिश. सो होमोफोन्स क्या होते हैं? होमोफोन्स यही वर्ड्स होते हैं जिनकी प्रोनंसिएशन सेम होती है, जिनको जिनका उच्चारण एक तरीके से होता है, एक ही जैसा होता है, पर उनकी स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट होती है. इन्हीं वर्ड्स को बोलते हैं होमोफोन्स. तो चलिए होमोफोन्स के बारे में और डिटेल में समझते हैं ये होते क्या हैं और कौन कौन से वर्ड्स हैं जो हमें जानने ज़रूरी हैं. ये जो वर्ड्स हैं जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जितने भी ब्लू कलर्ड बॉक्सेस के अंदर वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को बोला जाता है इंग्लिश ग्रामर में होमोफोन्स. यही आज का टॉपिक होने वाला है, होमोफोन्स, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एवरीवन, स्पेशली फॉर द किड्स हु आर इन स्कूल एंड जो भी इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कई बार आपने ये वर्ड्स देखे हैं, जैसे अभी आपने टेस्ट की स्टार्टिंग में भी आपने ये खुद ही फील किया होगा. कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इन वर्ड्स की प्रोनंसिएशन सेम है, एक ही तरीके से ये वर्ड्स बोले जाते हैं. जब हम इन वर्ड्स को पढ़ते हैं या सुनते हैं किसी को बोलते हुए तो हमें समझ नहीं आता इसका मीनिंग क्या है एग्जैक्टली. सो देयरफॉर आई थॉट टू पिक अप दिस टॉपिक फॉर यू एंड टू मेक योर प्रॉब्लम रिजॉल्व. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जैसे कि आपने फर्स्ट सेंटेंस में देखा था, ब्लैंक था वहाँ पर, आई टोल्ड माई, यहाँ पर ब्लैंक था, आई टोल्ड माई सन टू नॉट लुक एट द सन. तो यहाँ पे आपको S O N सन फिल करना था बिकॉज सन यहाँ पे S O N जो सन है उसका मीनिंग है बेटा, सन, इसे इंग्लिश में बोला जाता है सन. सो आई टोल्ड माई सन टू नॉट लुक एट द सन. यहाँ पे जो सन देख रहे हैं आप, यहाँ पे स्पेलिंग है S U N, यहाँ पे सन का मीनिंग है सूरज, सन. तो इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग ये हुआ, आई टोल्ड माई सन टू नॉट लुक एट द सन मीन्स मैंने अपने बेटे को बोला कि तुम सूरज की तरफ मत देखो. दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस. नेक्स्ट, ही एट अ पेयर ऑफ पेयर्स, इसका क्या मीनिंग है? ही का मीनिंग है वह, और वह किसके लिए यूज़ करते हैं? फॉर अ मेल पर्सन. एट, एट का मीनिंग है खाना. आप बोलेंगे कि ईट होता है, दैट्स राइट, ईट होता है, पर ये जो सेंटेंस है वो पास्ट में लिखा हुआ है इसीलिए ईट चेंज हो गया एट में. इसका मीनिंग क्या हुआ? उसने खाया, क्या खाया? अ पेयर ऑफ पेयर्स. अब पेयर पेयर आप दोनों जगह सेम देख रहे हैं प्रोनंसिएशन, सेम सन एंड सन की प्रोनंसिएशन भी थी सेम थी, पर स्पेलिंग डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है जिसकी वजह से पूरे सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाता है. सिमिलरली हियर, यहाँ आप जो पेयर देख रहे हैं इसका मीनिंग है जोड़ा, और यहाँ आप जो पेयर्स देख रहे हैं इसका मीनिंग है इट्स अ फ्रूट. इससे पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ कि उसने फ्रूट्स का, मतलब एक फ्रूट नहीं खाया, दो फ्रूट्स खाए एक साथ जोड़े में खाए. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, ही एट अ पेयर ऑफ पेयर्स. नेक्स्ट वन अगेन, द होटल मेड मेड द बेड. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस?
होटल आप समझ रहे हैं, मेड, मेड इज अ फीमेल पर्सन हु इज़ देयर इन योर सर्विस। कोई भी फीमेल पर्सन, होटल्स में आपने बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स देखे होंगे जो सर्विस डिपार्टमेंट में होते हैं, जो सर्व कर रहे होते हैं, क्लीनिंग कर रहे होते हैं, तो उनमें से जो फीमेल पर्सन है हु इज़ देयर इन सर्विस, दैट पर्सन इज कॉल्ड मेड। सो द होटल मेड मेड द बेड। यहाँ पे दोनों वर्ड की प्रोनंसिएशन सेम है, जैसे कि आप देख रहे हैं मेड एंड मेड। तो सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ? द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज कि जो होटल की मेड है उसने बेड ठीक किया। बेडशीट्स खराब हो जाती हैं, इधर उधर हो जाती हैं, तो वो सेट करते हैं सही से, सो वही ठीक किया। सो होटल की मेड ने बेड ठीक किया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। माई मदर वॉज फीलिंग वीक ड्यूरिंग द लास्ट वीक। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो वर्ड्स हैं वीक एंड वीक, द प्रोनंसिएशन इज सेम, दोनों वर्ड्स की प्रोनंसिएशन बिल्कुल सेम है, बट द मीनिंग एंड द स्पेलिंग इज डिफरेंट अगेन, जिसकी वजह से हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी हम इसको यहाँ और इसको यहाँ लिख देते हैं और सेंटेंस हो जाता है गलत। तो चलिए जानते हैं इसकी मीनिंग क्या है। डब्ल्यू ई ए के वर्ड जो है, इसकी प्रोनंसिएशन है वीक, इसका मतलब है कमज़ोर। और जो डब्ल्यू डबल ई के वर्ड है, जिसकी प्रोनंसिएशन भी वही है वीक, बट इसका मीनिंग इज़ डिफरेंट। एंड द मीनिंग इज, संडे मंडे ट्यूजडे वेंसडे पढ़ते हैं ना आप, हफ्ता जिसे आप बोलते हैं, सप्ताह, सो दिस इज़ कॉल्ड वीक। अब देखते हैं इसकी मीनिंग क्या है पूरे सेंटेंस की। सो माई मदर वॉज फीलिंग, मेरी मदर, मेरी माँ कैसा फील कर रही थी? वीक, कमज़ोर। ड्यूरिंग द लास्ट वीक, कब? पिछले पूरे हफ्ते, पिछले पूरे सप्ताह मेरी मदर वीक फील कर रही थी, कमज़ोर फील कर रही थी। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द एंटायर सेंटेंस। आई होप आपको अब जो मिस्टेक्स आपने पहले की थी वो आप आपको समझ आ रही होंगी कि गलतियाँ कहाँ और कैसे हो रही थी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। टू मेक अ फ्लावर शेप्ड केक यू विल नीड सम फ्लावर। अगेन यू कैन सी देर आर टू वर्ड्स, फ्लावर एंड फ्लावर, प्रोनंसिएशन ऑफ द वर्ड्स आर सेम, दोनों वर्ड्स की प्रोनंसिएशन सेम है, पर अगर आप इसको इधर और इसको इधर कर देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसका मीनिंग क्या है पहले तो सेंटेंस का। फ्लावर शेप्ड, फ्लावर शेप्ड केक। तो एक फ्लावर शेप्ड केक बनाने के लिए, ऐसा केक जिसकी शेप और डिज़ाइन फ्लावर शेप की हो, हमें क्या चाहिए? यू विल नीड सम फ्लावर। उसके लिए आपको फ्लावर चाहिए होगा। फिर से फ्लावर मीन्स फूल वाला फ्लावर नहीं, यू कैन सी द डिफरेंस, द स्पेलिंग डिफरेंस, FLOUR, प्रोनंसिएशन इज सेम अगैन। उसके लिए आपको चाहिए होगा आटा, अब वो चाहे मैदे का आटा हो, चाहे गेहूँ का आटा हो, आप जिससे भी बना रहे हैं केक। सो टू मेक अ फ्लावर शेप्ड केक यू विल नीड सम फ्लावर। तो एक फ्लावर शेप्ड केक बनाने के लिए आपको फ्लावर चाहिए, फ्लावर की ज़रूरत है। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। देयर इज़ नो राइट वे टू राइट अ नाइस स्टोरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट एंड राइट, दोनों ही वर्ड्स की प्रोनंसिएशन सेम है राइट, बट इनकी एप्लीकेशंस अलग अलग हैं, यूजेज अलग अलग हैं, अलग अलग तरीके से यूज़ किए जाते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ चलिए ये जानते हैं। देर इज़ नो राइट वे, ये जो राइट है इसका मतलब है सही तरीका, राइट वे, सही तरीका। एंड डब्ल्यू आर आई टी ई जो राइट है इसका मतलब होता है लिखना। तो इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ? Try to guess the meaning. Good job. So the meaning of the entire sentence is there is no right way to write a nice story. इसका मतलब हुआ कि एक अच्छी स्टोरी लिखने का कोई सही तरीका नहीं है, आप कैसे भी लिख सकते हैं। This is the meaning of this whole sentence. So I think अभी आपने जो वीडियो के स्टार्टिंग में जो टेस्ट दिया था उसमें जो मिस्टेक्स की थी, अभी आपको उनका सोल्यूशन ज़रूर मिल गया होगा। तो चलिए, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं होमोफोन्स में जो हमें बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। सो लेट्स लुक एट सम अदर वर्ड्स विच आर देयर इन द टॉपिक ऑफ होमोफोन्स। सो हियर यू कैन सी सम लिस्ट ऑफ होमोफोन्स आई हैव फॉर यू। सो चलिए देखते हैं ये होमोफोन्स कैसे यूज़ किए जाते हैं और इनकी क्या मीनिंग है। सो द फर्स्ट वन इज़ ब्रेक एंड दिस वन इज़ ऑल्सो ब्रेक, दोनों की प्रोनंसिएशन सेम है। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड वॉट इज़ दिस ब्रेक। तो जिसकी स्पेलिंग है बी आर ए के ई, उस पर आप सेंटेंस दे सकते हैं देयर इज़ नो ब्रेक इन माई कार। सो ब्रेक आप समझ ही गए हैं, कार में ब्रेक, कार की ब्रेक की बात हो रही है या बाइक में ब्रेक की बात हो रही है, ये वो वाला ब्रेक है। सो देयर इज़ नो ब्रेक इन माई कार। नेक्स्ट ब्रेक बी आर ई ए के, इस ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, टूट जाना, दिस इज़ द मीनिंग।
से यूज़ कैसे करेंगे? ही विल ब्रेक हिज लेग, ही विल ब्रेक हिज लेग, इसका मतलब कि वो अपने टांग तोड़वा लेगा या वो अपनी टांग तोड़ लेगा, अपने पैर तोड़ लेगा. दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस ब्रेक. और यू कैन से आई विल ब्रेक योर नोज, कभी हम बोलते हैं जब हम किसी से लड़ाई कर रहे हैं एंड उस फाइट में हमने किसी को बोल दिया आई ब्रेक योर नोज, आई ब्रेक योर फोन. सो इस तरीके से आप इस ब्रेक वर्ड को यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, डाई एंड डाई, प्रोनाउंसिएशन इज सेम अगैन. इसका मीनिंग क्या है? डी आई ई, डाई का मीनिंग होता है मर जाना या मरना. डी वाई ई का मीनिंग होता है, इस डाई का मीनिंग है वो डाई जो आप बालों में लगाते हैं, दैट कलर द सेम वन, कि वो डाई है. अब इसको हम यूज़ कैसे करें? इफ़ यू ड्रिंक अ बॉटल ऑफ डाई यू माइट डाई, इफ़ यू ड्रिंक अ बॉटल ऑफ डाई यू माइट डाई. इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आपने डाई की एक पूरी बॉटल पी ली तो हो सकता है कि आप मर जाएं. दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस. नेक्स्ट वन, फॉर एंड दिस इज़ ऑल्सो फॉर, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग आप जानते ही हैं, एफ ओ यू आर इज़ अ नंबर फोर, एंड जो दूसरा फोर है दिस इज़ अ प्रपोजिशन, अ लिंकिंग वर्ड. ये बस सेंटेंस में लिंक करने का काम करता है वर्ड्स को आपस में. चलिए देखते हैं कैसे यूज़ करें. आई नीड फोर फ्लावर्स फॉर माई सिस्टर्स बर्थडे, सो आई नीड फोर फ्लावर्स फॉर माई सिस्टर्स बर्थडे. इसका मीनिंग ये है कि मुझे मेरी सिस्टर की बर्थडे के लिए फोर फ्लावर्स चाहिए. दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, हील, एंड द नेक्स्ट वन इज़ ऑल्सो हील. इसका मीनिंग क्या है? जो आप एच ई ए एल हील देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, द मीनिंग ऑफ दिस हील इज़ ठीक होना, रिकवर करना किसी भी चीज़ से. मान लीजिए आपको चोट लग गई है, आप कहीं गिर गए हैं और आप उसका आपने फिर ट्रीटमेंट करवाया और उसके बाद आपकी रिकवरी चल रही है. वो जो चोट आपको लगी है वो आप उससे रिकवर कर रहे हैं, आप उससे ठीक हो रहे हैं. तो वहाँ आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं हील. कौन सा हील? एच ई ए एल वाला हील, एच ई ए एल, राइट. और एच डबल ई एल का मीनिंग है वो हील जो मोस्ट ऑफ द टाइम गर्ल्स प्रेफर टू वेयर, हील्स. जी हाँ, ये वही हील है. योर इंजरीज विल हील ओवर टाइम. इंजरीज मीन्स जो भी आपको चोट लगी हैं वो धीरे धीरे टाइम के साथ हील हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी. नेक्स्ट, स्टॉप वेयरिंग हील्स यू माइट फॉल. हील्स पहनना बंद कर दो, तुम गिर सकते हो. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस. लेट्स लुक एट सम अदर होमोफोन्स. सो हियर इज द नेक्स्ट वन, सी, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस इज सी, but the spelling is different. One is S-E-A-C and another one is S-E-E-C. Let's understand what's the meaning of each word. S-E-A-C means samudra, जहाँ बहुत सारा पानी होता है, और S-E-E-C means देखना. तो चलिए sentence बनाते हैं C पे. First one, अगर मैं आपसे कहूँ I love to watch sea, या मैं बोलूँ I love sea, तो उसमें कौन सा C आएगा? राइट, एस ई ए सी आएगा. और अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे अंधेरे में दिखाई नहीं देता है या मैं अंधेरे में देख नहीं पाती हूँ, तो मैं कैसे कहूँगी? आई कैन नॉट सी इन डार्क, आई कॉन्ट सी इन डार्क. इस तरीके से आप इस सी वर्ड को अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं. चलिए दूसरा वर्ड देखते हैं, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज दिस. हियर, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज हियर. दोनों ही वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन है हियर. अब इसे यूज़ कैसे करें? एक जो हियर है जिसकी स्पेलिंग है एच ई ए आर, इसका मीनिंग है सुनना. और जो दूसरा वर्ड है एच ई आर ई, उसका मीनिंग है यहाँ. जैसे आप बोलते हैं ना कम हियर, यहाँ आओ, द सेम वन. जब आप बोलना चाहते हैं यहाँ तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे एच ई आर ई, और जब आप बोलना चाहते हैं सुनना तो आप कैसे बोलेंगे? सपोज़ आप बोलना चाहते हैं, अगर आप मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, या मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, या मैं सुन नहीं सकती हूँ. समटाइम्स इट हैपन्स, आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, ड्यू टू सम नेटवर्क आप ये सेंटेंस बोल रहे हैं कि मुझे सुनाई नहीं दिया. सो आई कांट हियर यू प्रॉपरली.
आई कांट हियर यू प्रॉपरली, और कभी कभी आप ये भी बोलते हैं कैन यू हियर मी, हेलो कैन यू हियर मी। तो इस तरीके से आप एच ई ए आर हियर को यूज़ कर सकते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज दिस। सो वॉट इज़ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड? वी प्रोनाउंस दिस वर्ड एज स्टील। द प्रोनाउंसिएशन इज स्टील। अब इसको हम यूज़ कैसे करें? जो स्टील है इसका मतलब है चोरी करना। एस टी डबल ई एल जो है इसका मतलब है स्टील, जिससे बर्तन बने होते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स बने होते हैं, ये वो मटेरियल है जिससे काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं। सो दिस इज़ दैट स्टील। अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करें? लेट्स प्रैक्टिस। आप बोलना चाहते हैं ही इज़ अ नाइस पर्सन, ही कैन नॉट स्टील एनीथिंग। वो एक अच्छा इंसान है, वो कुछ चोरी नहीं कर सकता। सो ही कैन नॉट स्टील एनीथिंग। ऑन द अदर हैंड अगर आपको एस टी डबल ई एल वाला स्टील यूज़ करना है तो आप कैसे बोलेंगे? द एग्जाम्पल इज, आप बोलना चाहते हैं ये जो ग्लास है वो स्टील की बनी है। दिस ग्लास इज मेड ऑफ स्टील। तो इस तरीके से आप इन वर्ड्स को अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट होमोफोन, एंड द नेक्स्ट होमोफोन इज दिस वन। दिस इज प्रोनाउंस्ड एज टेल। दोनों ही वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन टेल है। इनको यूज़ कैसे किया जाए चलिए देखते हैं। टी ए एल ई टेल जो है वो है स्टोरी, और जो टी ए आई एल टेल है वो है पूंछ। अब आप खुद ही समझ गए हैं कि इनको यूज़ कैसे करना है। स्टिल चलिए सेंटेंस बनाते हैं। अगर आप बोलना चाहते हैं मुझे छोटी स्टोरी अच्छी लगती है, सो आई लाइक शॉर्ट टेल। और अगर मैं बोलना चाहती हूँ कि क्या तुम स्टोरी पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग एनी टेल, तो इस तरीके से आपने इसे सेंटेंस में यूज़ किया। नेक्स्ट वन टी ए आई एल वाला अगर आपको यूज़ करना है वर्ड तो कैसे करेंगे? आपको बोलना है कि गाय की पूंछ लंबी होती है, तो आप बोलेंगे काउस टेल इज लॉन्ग। ओके, और यह आप बोलना चाहते हैं कि एक बिल्ली अपनी पूंछ का पीछा कर रही है या पूंछ को फॉलो कर रही है पागलों की तरह, आप बोल सकते हैं द कैट इज चेजिंग इट्स ओन टेल मैडली। तो आपने क्या बोला कि एक बिल्ली अपनी ही पूंछ को फॉलो कर रही है, पीछा कर रही है पागलों की तरह। सो इस तरीके से आप इस टेल वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट होमोफोन इज दिस। ओके, द प्रोनाउंसिएशन इज देन। अब से यूज़ कैसे करें? यू कैन सी द डिफरेंस इन द स्पेलिंग। वन इज टी एच ई एन एंड अनदर वन इज टी एच ए एन। और बहुत बार ऐसा होता है हम इंटरचेंज कर देते हैं, एक दूसरे की जगह पे यूज़ कर देते हैं एंड दिस सेंटेंस बिकम्स रॉन्ग। तो चलिए जानते हैं कैसे यूज़ करें। टी एच ई एन का मतलब होता है उसके बाद, या फिर आप बोल सकते हैं तब। और टी एच ए एन जो वर्ड है इसको यूज़ करते हैं जब आप कंपेयर कर रहे हैं। नहीं समझ आया? लेट मी टेल यू। चलिए पहले समझते हैं टी एच ई एन कैसे यूज़ करें। आई कम्प्लीट माई होल वर्क देन आई गो टू स्लीप। पहले मैं अपना सारा काम कम्प्लीट कर लेती हूँ, देन उसके बाद मैं सोने जाती हूँ। तो आप बोलेंगे टी एच ई एन। और नेक्स्ट सपोज एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। आप अगर फर्स्टली आई रेड द इंटायर क्वेश्चन पेपर देन आई स्टार्टेड आंसरिंग द क्वेश्चंस। पहले मैंने सारा क्वेश्चन पेपर पढ़ा, उसके बाद मैंने क्वेश्चंस करने स्टार्ट किए। तो इस तरीके से आप इस देन वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। चलिए आप जानते हैं जो टी एच ए एन देन है उसे कैसे यूज़ करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कंपेयर करने के लिए यूज़ करेंगे। कैसे? चलिए प्रैक्टिस करते हैं। अगर मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं अपनी सिस्टर से लंबी हूँ, तो मैं कैसे बोलूँगी? आई एम टॉलर देन माई सिस्टर। आई एम टॉलर देन माई सिस्टर। इस तरीके से मैंने यूज़ किया देन, क्योंकि मैं कंपेयर कर रही हूँ अपनी हाइट अपनी सिस्टर से। और अगर आप बोलना चाहते हैं कि आप मुझसे ज़्यादा सुंदर हैं, तो आप बोल सकते हैं यू आर मोर ब्यूटिफुल देन मी। इस तरीके से आप इस टी एच ए एन वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप बोलना चाहते हैं कि तुम मुझसे अच्छा लिखते हो, तो कैसे बोलेंगे? यू राइट बेटर देन मी। यू राइट बेटर देन मी। तो इसमें जो आपने देन यूज़ किया उसकी स्पेलिंग थी टी एच ए एन। आई थिंक अब आपको ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गई है कि कौन से देन को कब और कैसे यूज़ करना है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट होमोफोन।
ओके सो द नेक्स्ट होमोफोन इज कॉम्प्लीमेंट. सो एज यू कैन सी द स्पेलिंग हियर, एक कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग अलग है दूसरे कॉम्प्लीमेंट से. तो चलिए पहले ये समझते हैं कि इनकी मीनिंग क्या है. तो जिस कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग में आप आई देख रहे हैं, इस कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग है किसी की तारीफ करना. उस समय आप इस कॉम्प्लीमेंट को यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट माई स्कूल टीचर, शी वॉज सो परफेक्ट इन टीचिंग. सो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को यूज़ कर, इस वर्ड को सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट देखते हैं कैसे यूज़ करें सेंटेंस में. इस कॉम्प्लीमेंट को आप कैसे यूज़ करेंगे, इसका पहले मीनिंग समझते हैं. इसका से कुछ चीज़ें होती हैं वो उनकी वैल्यू दूसरी चीज़ के साथ में आके ही कंप्लीट होती है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूं कि योर ड्रेस कॉम्प्लीमेंट्स द शेड ऑफ योर आईज, तो आपकी ड्रेस आपकी आँखों की शेड को कॉम्प्लीमेंट करती है, पूरा करती है, मैच करती है. इस तरीके से इसकी मीनिंग होगी. चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं. अगर मैं बोलूँ आई सी दैट कपल इज़ सो नाइस, दे बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, मीन्स वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे लगते हैं एक दूसरे को, मीन्स दे लुक परफेक्ट विद ईच अदर. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट, जिसकी स्पेलिंग में ई आ रहा है, आई नहीं. सो डो नॉट गेट कन्फ्यूज विद दीज टू वर्ड्स एंड प्रैक्टिस फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस बेटर. चलिए एक और होमोफोन देखते हैं. एंड द नेक्स्ट होमोफोन इज दिस. सो द प्रोनाउंसिएशन इज टू. एक की स्पेलिंग में आप देख सकते हैं सिंगल ओ है और दूसरे की स्पेलिंग में डबल ओ है. तो उसको यूज़ कैसे करें, तो जिसमें आप सिंगल ओ देख रहे हैं दैट इज टी ओ, ये होता है प्रेपोजिशन जो कि एक सेंटेंस में वर्ड्स को लिंक करने का काम करता है. कई जगह आपने बोला और पढ़ा और सुना भी है, जैसे कि मैं अभी आपको एग्जांपल दूं कि मैं आपसे बात कर रही हूं, आई एम टॉकिंग टू यू. सो इस सेंटेंस में टी ओ वाला टू आएगा. गलती से भी टी डबल ओ मत कर दीजिएगा, अदरवाइज इट विल बी अ रॉन्ग सेंटेंस. और जो नेक्स्ट टू है टी डबल ओ, वो कैसे यूज़ होगा. इस टू का मतलब होता है भी. फॉर एग्जांपल, मैं आपको बोलूँ कि मुझे चाय पसंद है, मुझे कॉफ़ी भी पसंद है, तो इस तरीके के सेंटेंस अगर आप बोलेंगे तो आप टी डबल ओ लगाएंगे. I like tea and I like coffee too. और आप ये खुद भी यूज़ करते हैं, जैसे ही आपको कोई बोलता है हैप्पी दिवाली तो आप बोलते हैं यू टू. तो इस तरीके से आप टी डबल ओ टू यूज़ करते हैं, टी ओ नहीं. सो इन दीज सेंटेंसेस जहाँ आपको बोलना है भी, ये भी, मुझे भी, तुम्हें भी, वहाँ आप बोल सकते हैं टी डबल ओ. तो चलिए आज की क्लास में ये सारे होमोफोन्स आर इनफ फॉर यू फॉर टुडेज क्लास. आई विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.